राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने परंपरा निभाते हुए बीते दिन बुजुर्गों, दिव्यांग बच्चों व अन्य अनाथ जनों के साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाया। इस दौरान वह मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त को वह घर पर ही रहकर अयोध्या उत्सव मनाएंगे। वहीं पश्चिम बंगाल की राजनीति पर भ्रामकता फैलाए जाने का आरोप विजयवर्गीय ने टीएमसी पार्टी पर लगाया और कहा कि बीजेपी के जनप्रतिनिधियों के खिलाफ सोशल मीडिया पर विभिन्न तरह से झूठी खबरें चलाई जा रही हैं। कांग्रेस द्वारा श्री राम भक्ति के सवाल पर विजयवर्गीय ने कहा कि पुराने पाप धोने के लिए उन्हें श्री राम की शरण में जाना चाहिए। इंदौर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। शक्ति का है कि हम सब लोग इस कोविड के संकट से ईश्वर की कृपा से जल्द मुक्त हों और सब बहनों से और बुजुर्गों से ये आशीर्वाद मांगेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार कहा है कि कोविड से निपटने के लिए हम सबको मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ धोने की प्रक्रिया, इसका हमें पालन करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि कोविड का जो सेकंड दौर चल रहा है ये थोड़ा सा और प्रभावित कर रहा है समाज को, तो हमें और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। लॉकडाउन खुल गया इसका मतलब ये नहीं है कि कोविड समाप्त हो गया, तो हम सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और यही ईश्वर से भी प्रार्थना करेंगे और यही बहनों से आशीर्वाद भी लेंगे। कोरोना ने कहीं ना कहीं हमारे परंपरागत त्यौहारों का रंग भी फीका किया है। 100% किया है। हमारा सामाजिक जीवन प्रभावित हुआ और हमारा ही नहीं, सारी दुनिया के अंदर एक सामाजिक जीवन इससे प्रभावित हुआ है। कुछ हमारे प्रोटोकॉल निर्धारित हो गए, उस प्रोटोकॉल के अंदर चलेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, उस प्रोटोकॉल को तोड़ा तो हम भी चपेट में आ जाएंगे। नहीं, यहीं पर घर पर ही उत्सव मनाएंगे। राम जन्मभूमि पर जो प्रधानमंत्री जी शिला रखेंगे उस पर उत्सव मनाएंगे। एक में एक बड़ी न्यूज चल रही है, बंद करो जरा आपका फिर बता देता हूँ। जी मैडम, ऐसा है कि अभी एक न्यूज़ चल रही है कि टीएमसी में बीजेपी के 4-5 सांसद जा रहे हैं, 20-25 नेता जा रहे हैं, ऐसा करके टाइम्स न्यूज चलाई, मैंने ट्वीट भी किया। आप उससे प्रश्न पूछो तो सब तो चल जाएगी उन्हें। वैसे किस तरीके के समीकरण बन रहे हैं ये? देखिए, बंगाल के अंदर टीएमसी सरकार से प्रभावित होकर और कुछ शुद्ध मार्ग से प्रभावित होकर कुछ पत्रकार ये भ्रम फैला रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद टीएमसी में जा रहे हैं। ये भ्रामक खबर है, ये शरारतपूर्ण खबर है और हम इस खबर की निंदा करते हैं। और मैं समझता हूँ कि सारे सांसद भारतीय जनता पार्टी के साथ है और मोदी जी के नेतृत्व में देश के विकास में लगे हुए हैं। मैं समझता हूँ कि अगर पुराने जो उन्होंने पाप किए हैं उसको धोने के लिए अब उनको राम भजन कीर्तन करना चाहिए तो पुराने पाप धुल जाएंगे कांग्रेस के।